वैदिक ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का समय समय पर चाल बदलना वक्री अथवा मार्गी होना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जब कोई ग्रह अपना चाल बदलकर दूसरी राशि में प्रवेश करता है अथवा वक्री अवस्था में होता है तो इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखने को मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक शनि देव को कर्म प्रधान का देवता माना जाता है, तो वहीं बुध ग्रह और बृहस्पति ग्रह को बुद्धि अथवा दानदाता का कारक ग्रह माना जाता है। इन तीनों ग्रहों के वक्री होने से सभी 12 राशियों पर इसका सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है, तो किसी पर नकारात्मक भी प्रभाव दिखता है। लेकिन आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि तीनों ग्रह के वक्री अवस्था में होने से किन राशि के जातक मालामाल हो सकते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का वक्री और मार्गी होना समय समय पर होता रहता है। वर्तमान में बुध, गुरु और शनि, ये तीनों प्रमुख ग्रह वक्री हैं। इन तीन ग्रहों के वक्री होने का प्रभाव सभी जातकों पर रहेगा, किंतु इनसे लाभान्वित होने वाली तीन प्रमुख राशियां हैं जिन पर बुध, गुरु और शनि के वक्री होने का सीधा लाभ मिलेगा। वृषभ राशि, धनु राशि और कन्या राशि, इन तीन राशियों पर बुध, गुरु और शनि के वक्री होने का सीधा लाभ मिलेगा, जिनमें सबसे ज्यादा कन्या राशि पर विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। अचानक धन का लाभ होना, हर प्रकार से प्रसन्नता का वातावरण बनना, चारों तरफ से सफलता, अगर कोई विवाद काफी समय से चल रहा होगा तो उसके भी समाधान का रास्ता निकलेगा। वृषभ राशि, मान सम्मान में वृद्धि होगी, धन का आगमन होगा। धनु राशि, अगर कोई संपत्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। बुध, गुरु और शनि के वक्री होने का इन तीन जातकों पर विशेष प्रभाव रहेगा।